और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने, महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे तीन पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं, इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक थी वो हमने आगे कर ली है। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे। ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1,00,000 अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे। मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, उस पर निर्भर करता है कि कौन कहां जीतेगा। जरूर इस बार शरद पवार साहब का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है। पवार साहब 10 सीटें लड़े और 8 जीते। उसका मतलब ये नहीं, शिवसेना को 9 सीटें मिल रही, लेकिन शिवसेना को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। हमने 21 सीटें लड़ी है, 9 पर हमने जीत हासिल की। मुंबई वाले एक सीट को डाका डाला है बीजेपी के और शिंदे की तरफ से, वो भी सीट हम जीत गए थे। 2-3 सीटें ऐसी है कि बहुत कम मार्जिन से हमको हारना पड़ा। तो हमारा भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, कांग्रेस का अच्छा है। तो 288 सीटें महाराष्ट्र में है, किसी को कुछ कम नहीं पड़ेगा, सब आराम से लड़ेंगे। हो गया आपका? सर, यूजीसी नेट जो एग्जाम को लेके एक नया कानून भी, अगर पेपर लीक करते हैं तो एक नया एंटी पेपर कानून लागू कर दिया। देखो ऐसे एंटी 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 बहुत कानून पहले भी लाए हैं मोदी जी ने, एंटी टेररिस्ट, एंटी करप्शन, हाँ सब कुछ एंटी वाले बहुत लाए हैं, लेकिन एंटी चल नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।